हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो ये आज एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बेसिकली काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे सीट के रिगार्डिंग कि ये सीट आपने कहाँ से लगवाई है एंड क्या इसका कॉस्ट आई है एंड कैसे फिटिंग वगैरह हुई है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरा सीट के बारे में ही बताऊँगा कि कहाँ से ली है, क्या है, क्या नहीं है, पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको सीट के बारे में। तो बस फटाफट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एंड बताता हूँ आपको। एक बार आपको मैं सीट दिखा देता हूँ एंड आई होप अभी जो आपने शॉर्ट्स देखे वो आपको पसंद आए होंगे। तो एक बार सीट आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ सारी। तो गाइस, ये हमारी सीट है एंड भी बिल्कुल हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो फटाफट वीडियो कंप्लीट करनी होगी। तो गाइस, ये जो हमारी स्लिम सीट है इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगा है, अगर पीछे कोई बंदा बैठता है तो उसका जो भी वेट है हमारा वो हमारा मडगार्ड पे नहीं आता, वो हमारा आप देख रहे होगे नीचे जो हमारा सपोर्ट लगा हुआ है, दिखा देता हूँ ये देखो। तो ये जो सपोर्ट है हमारा ये हमारा कंपनी से ही लग के आता है, तो इसको हमें रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आप देखो तो ये हमारा विजिबल भी नहीं होता कि हमारा लगा भी हुआ है या नहीं, तो इसीलिए ये सीट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने उनको बता दिया था कि मेरे को जो ये है ये मेरे को सपोर्ट जो है ये रिमूव नहीं करना एंड ये मेरे को हाइड भी करना है, ये मेरे को विजिबल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को इस हिसाब की सीट यहाँ पे दिखा दी, तो मेरे को ये सीट काफ़ी पसंद आई। एंड मोस्टली जो भी स्लिम सीट्स हमारी होती हैं उसके अंदर देखोगे अब ये वाली जो हमारी सपोर्ट है पीछे वाली ये हमारी रिमूव होती है एंड उसके बाद जो सीट है उसका जो वज़न होता है वो हमारा पीछे मडगार्ड पे आता है, तो जिसकी वजह से जो पीछे बंदा बैठता है तो उसका जितना भी वेट है वो हमारा सारा पीछे मडगार्ड पे आता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है कि हमारा सपोर्ट लगा हुआ है पीछे, तो पीछे अगर कोई बंदा बैठे भी एंड कितना भी वजन इस पे जाए तो हमारा मडगार्ड बिल्कुल सेफ है, इसका हमारा जो ये सपोर्ट है इसी के ऊपर हमारा सारा वेट आएगा। तो भाई, जो ये सीट थी ये मेरे को अप्रॉक्स 2200 या 2300 की पड़ी थी, याद नहीं है मेरे को, बट 2200-2300 रुपये की थी ये एंड 100 रुपीज़ जो था इसका फ़िटिंग चार्जेस था। एंड फिटिंग के लिए इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमारे जो दो नट्स होते हैं जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, ऐसा ही आपका दूसरी साइड भी है ये देखो ये वाला, तो इसके अंदर बस खाली हमें ये दो पेज खोलने होते हैं दोनों तरफ से एंड सीट लगा के ये दोनों पेज हमें कस देने हैं दोनों साइड से लगा के। एंड इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवानी पड़ती, ना कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ती एक्स्ट्रा, ना कुछ चीज़ लगानी पड़ती, ये हमारी डायरेक्ट फिट हो जाती है जैसे हमारी कंपनी वाली होती है। एंड पीछे से भी देखो तो हमारी सीट पूरी टाइट है एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमारे जो बैक रेस्ट आता है उसके हमारे स्क्रूज़ का ऑप्शन भी है, जो पीछे ये जो सपोर्ट लगी है इसके अंदर हमारा लगता है, तो आप चाहो तो डबल सेफ्टी के लिए यहाँ पर दो स्क्रूज़ फिट करवा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लुक ऐसे ही आ रहा है एंड क्योंकि पीछे से टाइट है तो हमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हालांकि अगर किसी की प्रेफरेंस है तो वो यहाँ पे स्क्रूज़ लगवा सकता है जिससे ये और सेट हो जाएगी, हालांकि अभी भी पूरी सेट है ये। तो जो सीट है वो मैंने करोल बाग से ली थी दिल्ली से एंड जो खजांची शॉप है जो वहीं पर मैंने जाके चेक कर रहा था सीट, तो मेरे को ये सीट काफ़ी पसंद आई थी तो मैंने फिर यही वाली लगवा ली। अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा पीछे से भी विजिबल नहीं होता, ये देखो आप, तो ऐसा लगता है हमारा जैसे जो पीछे का हमारा सपोर्ट है वो है ही नहीं एंड वो हमारा हाइड भी रहता है, विजिबल भी नहीं होता, तो काफ़ी सही लुक आती है इसकी एंड पीछे जो भी बंदा है वो आसानी से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि इसमें बैक रेस्ट नहीं है
तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी बंदा बैठ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर फ्रंट की बात करूँ तो जैसे जैसे आप ये वाली चीज़ जो देख रहे हो, ये हमारा बैक रेस्ट की तरह काम करता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है अगर इसको कोई बंदा बैठ के चलाए। तो जैसे अगर मैं बैठता हूँ तो मेरा जो आगे का जो इतना वाला हिस्सा है, ये मेरा खाली खाली छूट जाता है। तो मैं जो बैठता हूँ वो यहाँ से एंड पीछे पीछे बैठता हूँ, जो कि मतलब आगे वाले के लिए काफ़ी स्पेस रहता है इसके अंदर। एंड ये वाली चीज़ एकदम बैक रेस्ट की तरह काम करती है, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है इस सीट पे। हालांकि पीछे वाले के लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बंदा बैठ सकता है, आ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि जितना कंफर्ट आगे वाले के लिए है, वो पीछे वाले के लिए कंफर्ट नहीं रहेगा। बट वो ये बाइक आपको चलानी है तो आप अपना कंफर्ट देखोगे आगे बैठने के लिए, पीछे कोई बैठे तो वो बैठ सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ये मिरर्स एंड ये हैंडल बार मैंने लगवाए थे, तो ये भी आपको एक बार दोबारा चेकआउट करा देता हूँ। तो अगर ये अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे हैं। एंड सीट के बारे में भी अगर किसी को और कुछ डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि ये सीट काफ़ी सही लगती है मेरे को। तो गाइस एक बार मैं आपको इस पे बैठ के भी दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है बैठने के बाद। तो मैं कैमरे को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बाइक का भी चला के दिखाऊंगा मैं। सेट हो जा, हाँ हो गया, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमारा यही था कि मेरे को सीट का ओवरव्यू देना था आपको, कि कैसी क्या है, कहाँ से लगवाई, क्या क्या कॉस्ट है इसका, क्या रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ और भी आगे मिलती रहें, क्योंकि अभी इसके अंदर और भी काम होना है, तो वो भी आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।